हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरप्रीत सिंह हैरी। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट है एबीएस के बारे में, जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, और दूसरा इसी से रिलेटेड एक बढ़िया एक गुड न्यूज़ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि टू व्हीलर परचेज करना चाह रहे हैं यानी कि कोई बाइक परचेज करना चाह रहे हैं इस साल में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि 125 सीसी या इससे अपर सेगमेंट में जाना चाहते हैं, स्पेशली इस महीने और नेक्स्ट मंथ इनके लिए हो सकते हैं खास। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एबीएस के बारे में। ये एबीएस है क्या, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी जान बचाने में कैसे ये कारगर है। तो आइए समझते हैं इस एनिमेशन से एबीएस को। जैसे ही ड्राइवर फ्रंट ब्रेक दबाएगा तो आप देख रहे हैं कि लाइन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है एबीएस चल रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। होता क्या है कि जो सेंसर हैं वो दोनों व्हील्स की स्पीड को पहले से मेजर कर लेते हैं। ड्राइवर जैसे ही फ्रंट ब्रेक दबाएगा तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा और फ्रंट व्हील रुकना शुरू हो जाएगा। इस प्रेशर की वजह से व्हील लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से बाइक गिर सकती है। पर सेंसर क्या करेगा, उसी टाइम प्रेशर को डिक्रीज करेगा लाइन में, जिसकी वजह से लॉक्ड व्हील दोबारा से घूमना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। अब दोबारा से सेंसर उसको प्रेशर दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से व्हील्स दोबारा रुकने शुरू हो जाएंगे। व्हील्स फिर से अपनी लॉकिंग कंडीशन तक पहुंचते दोबारा मूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि प्रेशर सेंसर फिर डिक्रीज कर देगा। इसके बाद होगा क्या कि व्हील्स फिर से घूमना शुरू कर देंगे, लेकिन कंडीशन फिर से वही आ जाएगी, प्रेशर दोबारा से इंक्रीज होगा और व्हील्स फिर से ब्रेकिंग कंडीशन में आना शुरू हो जाएंगे और लॉक होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह बार बार सेंसर प्रेशर को डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, व्हील्स घूमेंगे रुकेंगे, घूमेंगे रुकेंगे, और इसी तरह से एबीएस हमारा काम करता है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे एबीएस आपके लिए फायदेमंद है, आपकी सुरक्षा करता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। और बात मैं करूं इससे रिलेटेड, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था टू व्हीलर, तो आपको याद होगा 2017 में जब BS3 बंद हुआ था, BS3 नॉर्म्स बंद हुए थे और BS4 नॉर्म्स अप्लाई हुए थे ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, तो उस टाइम पे काफ़ी डिस्काउंट, काफ़ी सस्ते बाइक्स, टू व्हीलर्स, स्कूटीज वगैरह बिकी थी और आप में से काफ़ी लोगों ने तब फ़ायदा लिया होगा उन डिस्काउंट्स का। तो ऐसा ही कुछ फ़ायदा इस साल भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली 2019 अप्रैल के बाद कोई भी बाइक, कोई भी टू व्हीलर जो कि 125 सीसी या इससे अपर सेगमेंट होगा, विदाउट एबीएस कोई भी कंपनी उसे बेच नहीं पाएगी। अगर वो बेचेगा भी तो आरटीओ के थ्रू उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी अप्रैल 2019 के बाद। तो मोस्टली कंपनीज का फोकस यही होगा कि वो इन जो दो महीने बच गए हैं, दो महीने भी नहीं बचे, ऑलमोस्ट एक महीना, डेढ़ महीना बचा है, तो इस टाइम पीरियड में वो अपना मैक्सिमम स्टॉक जो कि विदाउट एबीएस है 125 या इससे अपर डिस्प्लेसमेंट के जो बाइक्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो सेल आउट करने की कोशिश करेंगे और उस सेल आउट करने के चलते आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो फ़ायदा उठा सकते हो आप इन दो सेगमेंट्स, 125 या इससे ऊपर के सेगमेंट जो कि एबीएस नहीं है, लेकिन एबीएस रेकमेंडेड है, सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है। ट्राई कीजिए कि आप, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप एबीएस के तरफ ही मूव करें, लेकिन अगर आप विदाउट एबीएस भी टू व्हीलर परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज अ गुड बाइक विद लेस प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपने पहले नहीं दबाया, ताकि आपको नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिल जाएं
ताकि आप इमीडिएटली उन वीडियोस को, उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।